हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये लुक किससे इंस्पायर्ड है। आप लोगों ने गेस किया कि नहीं? ये लुक हर हिंदुस्तानी नारी की फेवरेट, इनफैक्ट हम सब की फेवरेट इंडियन फैशन आइकन रेखा जी से इंस्पायर्ड है। अब गेस कर लिया आप लोगों ने? तो इस लुक को आप इस बार करवा चौथ पे कर सकती हैं, आप चाहे तो किसी भी वेडिंग में कर सकती हैं, आपके अपने घर में कोई फंक्शन हो तब कर सकती हैं। ये ऑल टाइम फेवरेट लुक है, आप लोग कभी भी इसे कर सकते हैं। नमस्कार, आई एम लता सबरवाल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इसमें यूज किए हैं उनकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि बहुत जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स पे एकदम स्टिक करें। मेकअप एक आर्ट है, आपके पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हों मिलते जुलते उनसे भी कर सकते हैं। सो एज यूजुअल आई एम बिगिनिंग विद सनस्क्रीन न्यूट्रोजीना। If you are wearing this makeup at evening or night, then you can moisturize your face. Use a good moisturizer and give a good massage. Do not forget your neck area at all. अच्छा, इस गेटअप में जो है मैं थोड़े से हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। सो दिस इज अ मैट कंसीलर। जहां जहां भी आपकी स्किन पे आपको थोड़े डार्क शैडोज दिखें या लगे कि वहां आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क है, वहां इसे लगा दीजिए। ये थोड़ा सा ही काफी है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। नाउ जस्ट ब्लेंड इट वेल विद योर रिंग फिंगर। Never buy a concealer which is too fair for your skin. Usually what happens, we think that if we will apply a concealer which is on the whiter side, all our shadows will be hidden or all our dark shades will not be visible. Skin variations, I mean to say. लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें हमेशा जो है वो कंसीलर अपनी स्किन टोन के जैसा या हल्का सा, उससे अगर आप एक शेड डार्क भी खरीदेंगे तो चलेगा, लेकिन उससे लाइट नहीं होना चाहिए हमारी जो एक्चुअल स्किन टोन है उससे। दिस इज कंप्लीटली ब्लेंडेड, माय फेवरेट फाउंडेशन मैक। बिकॉज नीचे हमने कंसीलर लगाया है इसलिए हमें बहुत ज्यादा अंडर आईज के नीचे हेवी करने की जरूरत नहीं है फाउंडेशन को, अदरवाइज वो बहुत हेवी लगेगा। और अगर हमारे फाइन लाइंस हैं जैसे कि मेरे आगे हैं दिस एज में, तो वो ज्यादा एनहांस हो जाते हैं अगर हम हेवी मेकअप करते हैं आईज के नीचे, आई मीन दिस अंडर आई पोर्शन। एज यू नो आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग माई फिंगर्स टू ब्लेंड द मेकअप, बट You are free to use brushes if you feel like. एक और रीजन मैं आपको बताती हूँ जो मैं फिंगर्स यूज करने का है मेकअप ब्लेंड करने के लिए। ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है वो तो ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्लीनलीनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो है मुझे कभी कभी ब्रशेस धोने और क्लीन करने में हर बार आलस आ जाता है। हालांकि बहुत सारे क्लेंजर्स अवेलेबल हैं जो ब्रश भी क्लीन कर देते हैं, स्प्रेज अवेलेबल हैं, इनफैक्ट मैक का भी है एक बहुत अच्छा जो आपके ब्रशेस को क्लीन कर देता है, लेकिन आई एम सैटिस्फाइड ओनली व्हेन आई शैम्पू एंड आई कंडीशन माय ब्रशेस लाइक माय ओन हेयर। तो मैं थोड़ी सी सफाई के मामले में फिनिकी हूँ, इसलिए जो है मैं सोचती हूँ फिंगर्स को अच्छे से साफ कर लिया जाएगा ईजिली rather than washing the brushes, I mean shampooing them and conditioning them. ये blend होने के बाद under eyes अच्छे से dab करके blend करेंगे। Please do not rub under the eyes. This is one of the most delicate areas. और यही finger जो है हम eyelids पर हर किसी को मारें। कभी भी foundation करने में जो है आप वो जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जो base है makeup का वही जो है वो
बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पूरे मेकअप को एनहांस करने में. एंड एज द नेम सेज, इट इज द फाउंडेशन, और फाउंडेशन तो हर चीज की स्ट्रांग होनी चाहिए. So I am patiently blending it very, very well. अब अगर इसके बाद भी आपको लगता है आपकी कहीं कुछ स्किन वेरिएशंस हैं, पैचेस हैं या कुछ हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा कंसीलर जो यूज किया था और अडैप्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ मेरे एक है, बट आई एम ओके विद इट. अगर कुछ बॉदर कर रहा है आपकी स्किन में आपको, तो आप वहां पे ऊपर फाउंडेशन के बाद भी हल्का सा जो है वो कंसीलर अडैप्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लिक्विड सो इट विल मिक्स क्वाइट वेल. Yes, I'm done. Now my favorite translucent powder, Rylan TL4. इस लुक में मैं दो अलग अलग ट्रांसल्यूसेंट पाउडर्स यूज करूंगी. अप्लाई इट क्वाइट लिबरली. अगर ये थोड़ा थोड़ा येलो विजिबल भी हो रहा है, then don't worry. ये बाद में सेट हो जाता है या हम इसे ब्रश ऑफ भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा जो है. लिटल एक्स्ट्रा अंडर द आईज, क्योंकि अभी जब हम आई शैडो करेंगे तो बहुत बार आई शैडो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो गिर जाते हैं, जो फ्लेक्स होते हैं इनफैक्ट, तो उसके लिए हम यहाँ नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा रख देंगे सो दैट वी कैन ब्रश ऑफ द एक्स्ट्रा पाउडर एंड द फ्लेक्स विच विल फॉल. नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन विद माई आईब्रोज. मिस क्लेयर, आई लाइक दिस शेड. आईब्रो पेंसिल अवॉइड कीजिए यूज करना, क्योंकि वो बहुत ही स्टार्क और बहुत आर्टिफिशियल लुक देती है. उससे एक लाइन जैसी क्रिएट हो जाती है, विच डज नॉट लुक नाइस. और ये जो पाउडर होता है वो जो हमारे आईब्रो के जो जो ब्रोज में छोटे छोटे गैप्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है, वो बहुत नेचुरल लगता है. अब आईज के लिए, आई मीन आई शैडो के लिए, मैं ये जो डार्क वाला ब्राउन शेड यूज किया है अपने आईब्रोज के लिए आईब्रो किट से, उसे हल्का सा ये एंगुलर ब्रश लेके एक सॉकेट क्रिएट करूंगी साइड से, ताकि डार्क हो जाए. यू कैन इवन यूज अ डार्क ब्राउन आई शैडो, और यू कैन यूज दिस पैलेट ऑल्सो, द आईब्रो किट. हम दोनों आंखों को साइमल्टेनियसली करेंगे, तो जितनी लेंथ यहां लाइन की ड्रॉ की है उतनी दूसरी साइड में. थोड़ा सा ये जो हमारा बोन एरिया है, ब्रो बोन, उस तक लेके आएंगे इसे. इसे हम यहाँ ऊपर की साइड से अपने ब्रो बोन पे एक इसे राउंडेड शेप देंगे, काइंड ऑफ अ सेमी सर्कल या हाफ आईज तक, पूरा नहीं. कैन यू सी जो डेप्थ दिख रही है, सेम वे द अदर साइड. अगर आपके पास ये एंगुलर ब्रश नहीं है, देन डोंट वरी, आप कोई भी दूसरा ब्रश लेके ये कर सकते हैं. बस थोड़ा सा पेशेंटली कीजिएगा.
अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जगह है, ये ट्राइंगल जैसा है, इसको हम पूरा डार्क ब्राउन से फिल कर देंगे। अगेन आई वुड से, अगर आपके पास ये वाले ब्रशेस नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो हैं, जो भी अवेलेबल ब्रशेस हों उनसे कर लीजिए। अदरवाइज ऑनलाइन भी बहुत इजीली ब्रशेस मिल जाते हैं। आई प्रेफर मैक, नायका, भारत एंड डोरस, बीओवी, इन सब के ब्रशेस। So whatever suits your pocket, you can buy those. See, same. कभी भी एक आंख पूरी खत्म करके दूसरी आंख मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, वो बैलेंस नहीं बन पाता फिर। So just do both the eyes simultaneously. ये भी हमने थोड़ा थोड़ा सा मोटा कर दिया, फिल कर दिया आई तक। ये ब्रो बोन तक जानी चाहिए जो लाइन है, नॉट जस्ट टिल द आईलिड्स। ओके, नाउ यू कैन सी दिस एरिया, ये जो अभी हमने जहां कुछ अप्लाई नहीं किया है वहां पे आई एम गोइंग टू यूज दिस आई शैडो, दिस इज NYB। इसका एक कॉपर शेड जो है वो चूज किया है मैंने, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गोल्ड एंड कॉपर बिकॉज ऑफ रेखा जी'स लुक, इसलिए मैंने ये शेड चूज किया है। आप कोई भी ऐसा मिलता जुलता शेड कॉपर गोल्ड में यूज कर सकते हैं। जस्ट फिल इन दिस एरिया। अब हमको क्या करना है कि फिल करते साथ साथ ये जो हाफ लाइन थी ऊपर, जो सॉकेट हमने बनाया है आई सॉकेट, उसको मिक्स कर देंगे थोड़ा लाइक दिस। एंड्स पे जहां डार्क है वहां पूरा नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये ऊपर वाला जो सॉकेट की लाइन है इसको मिक्स कर देंगे, सो दैट इट लुक्स ब्लेंडेड लाइक दिस। A little more thick. तो ये ऊपर वाली लाइन पे भी हम हल्का ले गए हैं और उसको हमने ब्लेंड कर दिया है। बहुत हल्के से डार्क एजेस लग रहे हैं, लेकिन यहां हमने ऐसा ही छोड़ दिया है। Now for the highlighter on the brow bone area, I am using this gold instead of silver. I usually use silver, लेकिन इसमें मैं gold लगा रही हूँ। आप कोई भी gold eyeshadow shiny लगा सकते हैं। जो palette मैंने अभी आपको दिखाई, जिसमें से ये gold लिया है, वो Miss Claire की। So I am mixing all the different brands in this, but yes, primarily I'm sticking to MAC. कितना डिफाइन हो गया ना आई शैडो एंड इवन हमारे आईब्रोज। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए देन डोंट वरी, उसकी भी ट्रिक्स मैं आपको बता दूं। जस्ट फ्रॉम हियर टू हियर, इस आंख में मैंने थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया, आई एम गोइंग टू करेक्ट इट नाउ। एंड नाउ लाइनर, Maybelline, the Colossal Bold. लाइनों को भी हम जो ब्राउन लाइन एज है वहां तक लेके जाएंगे और इधर से थोड़ा सा नीचे से ज्वाइन करके मोटा कर देंगे।
इसको भी आप देख के बैलेंस कर लीजिए दोनों साइड्स पे। काजल, मेबेलिन द कोलोसल काजल, इस लुक में एक चीज और मैं भी करने जा रही हूं जो मैंने पहले कभी भी आज तक ट्राई नहीं की है। रेखा जी को देखा है मैंने, वो नीचे की साइड पे जो है यहाँ पर अंदर व्हाइट काजल जरूर लगाती है। यस, व्हाइट पेंसिल जो बोलते हैं जरूर लगाती है। सो इस ब्लैक के ऊपर मैं हल्की सी व्हाइट पेंसिल जरूर लगाऊंगी। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। नीचे की साइड पे अब मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड करूंगी। सो दिस इज द ब्राउन पेंसिल व्हिच आई एम गोइंग टू यूज नाउ, लैक्मे आइकॉनिक, थोड़ा सा बाहर की साइड। Now I'm going to use the white pencil for the very first time. This is a PSC white pencil. देखते हैं कैसी लगती है। इससे आंखें वैसे खुली खुली और बड़ी लगती है, ये इफेक्ट होता है इस पेंसिल का। क्योंकि मैंने इसमें जो है वो पहले ब्लैक काजल लगाया था अपनी आंखों पे, इसलिए ये थोड़ा सा मिक्स हो गई, ग्रेश बन गया है, बहुत ज्यादा व्हाइट पेंसिल नहीं दिख रही है। बट आई एम लाइकिंग इट दिस वे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट व्हाइट पेंसिल मैंने कभी लगाई नहीं है, तो फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। लेकिन एक लुक मैं करूंगी जिसमें व्हाइट पेंसिल अच्छी तरह से यूज करूंगी। अब ये जो आईज के नीचे मैंने सब काजल वगैरह मेकअप लगाया है, लेट्स नीटन इट अप। मैंने लिया फिट में, आप Maybelline का फिट नहीं ले लीजिए, स्टूडियो फिक्स ले लीजिए, मैक का, या फिर कोई भी और कॉम्पैक्ट, और ऐसे करके पूरा जो है वो क्लीन कर लीजिए। That's it. अब मस्कारा करने से पहले जो है मैं ये पाउडर डस्ट कर दूंगी जो थोड़ा बहुत आई शैडो गिरा है इसको, और जो दूसरा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर मैंने मेंशन किया था मैक का, विच आई रियली लव, वो लगा दूंगी। सो दिस इज प्रेप एंड प्राइम बाय मैक। ये बहुत ही फाइन पाउडर है और बहुत हल्की अच्छी शाइन देता है। इसे मस्कारा लगाने के बाद मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इतना फाइन पाउडर है, इतने अच्छे से सेटल हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत उड़ता है लगाने के टाइम, तो वो लैशेस मस्कारा लग जाए उसके ऊपर जाके जो है सेटल हो जाता है, वाइट वाइट होता है। तो इससे मैं ब्रश से आराम से लगाऊंगी। दिस गिव्स अ वेरी नाइस नेचुरल शाइन ऑल्सो एंड इट फिक्सेस योर मेकअप वेल। मस्कारा Maybelline अगेन, आप मैक का मस्कारा भी यूज कर सकते हैं, और डियोर का मस्कारा वैसे मुझे बहुत पसंद है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड पॉकेट फ्रेंडली मस्कारा।
ओके सो आई डू नॉट प्रेफर यूजिंग अ लैश कर्लर. हालांकि जो लैश कर्लर है वो मस्कारा लगाने से पहले लैशेस कर्ल किए जाते हैं फिर मस्कारा लगाया जाता है. मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे कुछ लैशेस जो है वो टूट रहे थे उससे, तो कुछ टाइम के लिए मैंने उसे छोड़ दिया है. एंड आई यूज दिस ट्रिक टू कर्ल माई लैशेस. सो आई एम जस्ट गोइंग टू होल्ड देम लाइक दिस फॉर से 30 सेकेंड्स and you can see the difference. And now contouring. ये bronzer sugar company का है. This is almost about to finish. Little bit over here to make your jawline prominent. Keep it very natural. And little bit here. Enhance your cheekbones. ब्लश ऑन के लिए भी मैं दो शेड मिक्स करने जा रही हूं. दिस इज अगेन बाय मैक, वन ऑफ माय फेवरेट्स. ये भी खत्म होने वाला है. पीची की, यस दिस इज द शेड. एंड ऑल्सो मिस क्लेयर का वन ऑफ द शेड्स आई एम गोइंग टू यूज व्हिच इज दिस पीचिश शेड. Now my favorite part, lipstick. ये मैं maroon pencil use कर रही हूँ. Diana of London की है for the outline. And now lipstick. This is one of my favorite L'Oreal lipsticks, 240 shade. ये लुक बिल्कुल इनकम्प्लीट होगा बिंदी के बिना, तो एक मरून बिंदी तो बनती. एक और चीज देखिए, मैंने रेखा जी की गेटअप में वो एक वी शेप में थोड़ा सा यहाँ पर सिंदूर जरूर लगाती हैं, तो मैंने एक ली अपनी रेड लिपस्टिक पेंसिल ले ली. आप कोई भी रेड लिपस्टिक पेंसिल ले लीजिए और उससे यहाँ पर सिंदूर लगा लीजिए, प्रोवाइडेड इफ यू आर मैरिड. कुछ इस तरह से. एक और ऑप्शन है इसका, आप चाहें तो कोई मरून लिक्विड लिपस्टिक आपके पास हो उसे भी लगा सकते हैं. तो चलिए देखते हैं पूरा लुक. अच्छा, मेरी नाक छिदी भी नहीं है, लेकिन इस लुक के लिए मैं ये डायमंड वाली एक बिंदी छोटी सी लगा ली. तो रेखा जी की गेटअप में सबसे खास बात क्या होती है? उनकी साड़ी. तो चलिए मैं भी अपनी साड़ी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ. वो हमेशा जो है वो कुछ गोल्ड शेड्स या कॉपर शेड्स, रेड या मरून के साथ कंबाइन करके जो है पहनती है. तो ये साड़ी मैं आपको पास से दिखाती हूँ. ये साड़ी जो है ये एक
हैंडलूम साड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते कि हैंडलूम साड़ी जो है वो एक फेस्टिव ओकेजन के लिए पहनी जा सकती है। तत्वम असी जो है ये ब्रांड नेम है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो आप भी ऐसी या और कोई डिजाइन की साड़ी मंगवा सकती हैं वहां से। जब ये साड़ी मेरे पास आई तो मुझे रेखा जी का ही ध्यान आया, ये साड़ी जो है वो हैंडलूम में बनी हुई है, उसके बाद ये हाथों से इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है, हाथों से इसे कलर किया गया है, बहुत ही सॉफ्ट और लाइट वेट है। ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा चलिए इसको स्टाइल करते हैं। इसके साथ वैसे एक अलग सा ब्लाउज पीस दिया था, लेकिन मैंने वो नहीं पहना क्योंकि मुझे इस हैंडलूम की साड़ी को एक फेस्टिव ओकेजन के लिए बनाना था। तो मैंने जो है वो ये ब्लाउज आप देख सकते हैं मेरे पास, ये गोल्ड कॉपर गोल्ड में ब्लाउज था जो कि बैकलेस डिजाइन का है, वो मैंने जो है यूज किया इसके लिए। और अगर कभी भी हमें जो है वो अपनी नॉर्मल सी साड़ी को फेस्टिव लुक देना हो या उसे खास बनाना हो तो ये आइडिया बहुत अच्छा रहता है। आप कोई हेवी ब्लाउज उसके साथ पहन लीजिए और थोड़ी हेवी ज्वेलरी पहन लीजिए और मेकअप जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस गेटअप को मैंने कैसे किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।